लैलतुल कद्र रमजानुल मुबारक की आखिरी 10 ताक रातों से एक निहायत ही बाबरकत रात है, जिसे सबे कद्र यानी कद्र और बरकत वाली रात के नाम से भी याद किया जाता है। कुरान मजीद में इस रात का बयान सूरतुल कद्र में किया गया है, जिसका तर्जुमा है, बेशक हमने कुरान मजीद को कद्र की रात में नाजिल किया। कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूहुल कुद्दूस नाजिल होते हैं, हर तरह का अमन खैर और सलामती लाते हैं, हत्ता कि ये सिलसिला तुले फजर तक जारी रहता है। कुरान मजीद की एक सूरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हमने इसे बड़ी खैर व बरकत वाली रात में नाजिल किया है। कुरान मजीद के नुजूल के बारे में बाद मुफस्सरीन की राय यह है कि नुजूल कुरान का सिलसिला इसी रात शुरू हुआ। बाज कहते हैं कि ये फरिश्तों के जरिए वही के जरिए नाजिल होता रहा। हजरते आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरते अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करता अहदीस में बयान किया गया है कि सबे कद्र रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में कोई रात है। गालिबन किसी एक रात का वाजे तौर पर अल्लाह की तरफ से नहीं किया गया है, ताकि लोग सबे कद्र की फजीलत से फायदा उठाने के लिए सिर्फ एक ही रात इबादत ना करें, बल्कि मुख्तलिफ रातों में इसकी तलाश जारी रखें और इबादत करते रहें। फिर रिवायत से भी मालूम होता है कि सबे कद्र हर साल इन ताक रातों में होती है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे उम्मत में से जो मर्द या औरत ये ख्वाहिश करें कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मुनव्वर हो, उसे चाहिए कि माहे रमजान की सबे कद्र में कसरत के साथ इबादत करे, ताकि इस रात मोतबरिक की इबादत से अल्लाह ताला उसके नामे आमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियां अता कर दे। दोस्तों, सबे कद्र की रात 1000 महीनों से बेहतर है। दोस्तों, अब हम आपको रमजान की 23वीं सब को कौन सी नमाज पढ़ें और किस तरह पढ़ें ताकि आपकी हर दुआ कबूल हो, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, रमजान की 23वीं सब को 4 रकात नमाज 2-2 रकात करके पढ़ें, और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह कद्र और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत करें। नमाज के बाद अस्तगफार और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। दोस्तों, 23वीं सब को अगर आप इस तरह 4 रकात नमाज अदा करेंगे तो यकीनन आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर दिली जायज तमन्ना पूरी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रमजान की 23वीं सब के बारे में मालूम हो चुका होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।